के लिए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं भोपाल से। सीएम मोहन यादव आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, पाठशाला का आयोजन है, सुनिए आप। वास्तव में कई अवसर पर पार्लियामेंट को देखने का मौका मिला है, लेकिन बड़े से बड़े विषय पे जितनी सरलता के साथ पक्ष विपक्ष आपने अपने साथ खड़े करके हमारे संसदीय कार्यप्रणाली का, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर का जो मान बढ़ाया, मैं आपका मंदिर की धरती पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। क्या पक्ष क्या विपक्ष सब सम्मान के साथ और सहजता के साथ जीवन से आपके उस हर एक स्टेट का हर एक भाव का और जिस प्रकार से आपने प्रत्येक संसदीय कार्य की व्यवस्थाओं को जिसने आपने बांटा है, मैं वास्तव में आपका हृदय से आभार मानता हूं। और मुझे लगता है कि वास्तव में एक आदर्श अध्यक्ष कैसे हो सकता है, ऐसे व्यक्तित्व का अगर कोई चित्र बनाएंगे तो वह आपका परिलक्षण होता दिखाई देता। मैं आज के अवसर पर समारोह में माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब जिनने अभी अपना विषय रखा, कितना धीर गंभीर व्यक्तित्व, ऐसा लगता है बड़ा विशाल समुद्र में कोई तैरता हुआ जहाज अपनी मस्तानी चाल के साथ समय समय अपने मुकाम तक पहुंचते पहुंचते एहसास कराता है अपने विषय की जनता के लक्ष्य की तरफ। आपका इतना धीर गंभीर व्यक्तित्व, इतना अलग प्रकार का आपका अनुभव, मैं तो भाग्यशाली हूं जिनके मंत्रिमंडल में भी सारे मंत्रीगण इसी प्रकार के, जो कभी भारत सरकार को गौरवान्वित करते थे वो अपने मंत्रिमंडल में मेरे साथ है। और आपका इतना विराट व्यक्तित्व, जो आप समझ सदन की गणना कराएंगे, मैं आपका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं माननीय नरेंद्र सिंह जी का। और इस अवसर पर और सौभाग्य की बात है, 8 बार से लोकसभा और विधानसभा में जो आप महाना जी सतीश जी और इतनी बड़ी विधानसभा और विविध प्रकार के अलग अलग अवसर पर आपने उनके साथ सदस्य करके अपना समय गुजारा, आपका जो विस्तृत अनुभव का जो खजाना है, मेरे विधायक साथी आपका लाभ लेंगे माननीय सतीश महाना जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं। आप गंगा के किनारे तीरे से आते हैं, हम अपने छिपरा के तीरे वाले आपका भी अभिनंदन करते हैं। ये राजा भोज की नगरी है, आनंद की नगरी है, जो अलग अलग प्रकार के कारण से जानी जाती है। हमको मालूम है महाकाल की नगरी आता है, महाकाल का स्थान कैलाश पर्वत से प्रिय को हो नहीं सकता है, सौभाग्य की बात है। तो विधायकों की पाठशाला का आयोजन किया गया है भोपाल में और माननीय पहुंचे हैं मंत्र देने विधायकों को, जीत का मंत्र आगामी चुनावों को लेकर के। सीएम भी पहुंचे हैं, आप उन्हीं को सुन रहे थे आखिर किस तरह से विकास कार्यों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जीत का मंत्र कहीं ना कहीं जोश भरने का काम विधायकों में आज किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली में अमित शाह से मिले हैं अमित जोगी की अमित शाह से।